वो मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। सुनने में आया कि मौर्या जी मोहरा है, अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे। अखिलेश से तमतमा गए केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश ने कसा तंज, हिल गए बीजेपी के नेता। सपा ले रही चुटकी, बैकफुट पर दिख रही बीजेपी। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों से तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सुर्खियों में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी की यूपी यूनिट है। उत्तर प्रदेश की सियासी उठापटक पर विपक्षी दलों के लीडर्स भी चुटकी लेना शुरू कर चुके हैं, खासकर अखिलेश यादव। कभी मानसून ऑफर देते हैं, कभी डिस्काउंट देते हैं, तो कभी ऐसा तंज कसते हैं जो डायरेक्ट बीजेपी को चुभ जाता है। बता दें कि आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जमकर बीजेपी पर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने जहां केशव प्रसाद को दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड तक कह दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा केशव प्रसाद मौर्य बकायदा नाम लिया और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का मोहरा बन गए हैं, वो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड बन गए हैं। क्या सरकार ऐसे चलेगी? दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो अब लखनऊ वाले भी लोगों से मिलने लगे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा है दिल्ली के वाईफाई के, वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए कौन मोहरा है। सुनने में आया कि मौर्या जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे। अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव को मोहरा वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर डिप्टी सीएम ने पोस्ट कर बयान जारी किया। सपा प्रमुख ने शुक्रवार को लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मोहरा है, यूपी में वाईफाई के दो पासवर्ड हैं। आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। वहीं अखिलेश के इस बयान पर केशव ने कहा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दे। बता दें कि भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। इससे पहले अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर दावा किया था कि वे योगी सरकार गिराना चाहते हैं और मानसून ऑफर देकर वे सिर्फ उनकी मदद करना चाहते हैं। उधर अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने यूपी की हालत खराब कर दी है। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी ने हर व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया है। हर व्यवस्था, हर